तो दोस्तों आपका स्वागत है टू WWE 2K17 यूनिवर्स मोड। आई होप आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है। दोस्तों फटाफट लाइक करना ना भूलिए फॉर फटाफट एपिसोड। जैसे कि आप लोगों ने पिछले बार देखा कि रॉ पे मचा धमाका, वुमेन्स डिवीजन ने धमाका मचा दिया, शार्लेट वर्सेस अलिशिया फॉक्स क्या मैच था। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमें वुमेन्स डिवीजन डिलीट कर देना चाहिए, मतलब कि हमें रिमूव कर देना चाहिए वैसे भी, क्योंकि उनके मैचेस काफ़ी रेपिटेटिव हो जाते हैं, प्लस मुझे चॉइसेस कम मिलते हैं क्योंकि दो स्लॉट्स वुमेन्स मैचेस ले लेते हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें एंड शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम जाएंगे स्मैकडाउन की तरफ। सबसे पहला मैच उसोज वर्सेस अमेरिकन अल्फा। भाई इनकी राइवलरी तो बढ़ते ही जा रही है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप, लेकिन आप लोगों की वोटिंग उससे भी ज्यादा धमाकेदार 84% वोट्स मिले हैं उसोस को। भाई ये लोग तो फेवरेट है सबके, छूटता ही नहीं इनके ऊपर से वोट। लेकिन नेक्स्ट मैच बो डैलस वर्सेस केन इन अ 1-on-1 मैच, फिर 2-on-2 एलिमिनेशन टैग, यहाँ पे ब्रिजांगो वर्सेस लूचा ड्रैगन्स, मिज वर्सेस बैरन कॉर्बिन, फॉल्स काउंट एनीवेयर। लेकिन एक और यहाँ बड़ा मैच है, डीन एम्ब्रोस वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो। एंड आई नो आप लोगों ने किसको वोट किया है, डीन एम्ब्रोस को विद 96% वोट्स। सारा का सारा डीन एम्ब्रोस ले जाता है भाई, अपना चैंपियन बहुत ही तगड़ा यहाँ पे। अल्बर्टो डेल रियो उसके सामने टिक नहीं पाया। लेकिन हमारा फाइनल मैच होने वाला है एंड काफ़ी डिफरेंट सा मैच है। मतलब ये पेयरिंग कैसे बना ये मैच, गोल्डबर्ग वर्सेस जैक राइडर। गोल्डबर्ग को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हैं, 93% वोट्स मिले हैं गोल्डबर्ग को। लेकिन क्या जैक राइडर आज एक बहुत बड़ा अपसेट क्रिएट कर सकता है, हु नोज। उसोज यहाँ पे गजब की मोमेंटम पकड़ते हैं ड्यूरिंग दी स्मैकडाउन शो, लेकिन पेपर व्यू तक पहुँचते जस्ट थोड़ा सा मिस हो जाता है इनका चांस टू बिकम द चैम्पियन। लेकिन आज इनको थोड़ा दोबारा मौका मिला है अमेरिकन अल्फा को प्रूव करने का कि दे आर रेडी टू बी द नंबर वन कंटेंडर अगेंस्ट देम। अमेरिकन अल्फा दिस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस रिंग की तरफ बढ़ते हुए, जेसन जॉर्डन एंड चैड गेबल रिंग की तरफ बढ़ते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग, रेडी विलिंग एंड गेबल। लेकिन ये क्या ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, टैग टीम ब्रदर्स द उसो ब्रदर्स कूद पड़े उनके ऊपर, लेकिन व्हाट अ रिवर्सल बाय जॉर्डन, हमें वहीं पे चित कर दिया। ये पूरा काउंटर अटैक हमारे ऊपर उल्टा पड़ चुका है, चैंपियंस हमारे पे हावी। लेकिन व्हाट अ मंकी फ्लिप बिहाइंड, जे उसो की वाट लग रही है यहाँ पे, जे ने यहाँ पे मुक्का की बरसात कर दिए, जेसन को कोने में पटका है, मार भाई, गोइंग फॉर द सुप्लेक्स, बूम। अभी तक रेफरी रिंग में नहीं आया, मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है ऑफिशियली, घंटी नहीं बजी है, रेफरी बाहर से चिल्लाता हुआ, अंदर एक्शन जारी एंड व्हाट अ ड्राइव, व्हाट अ क्रॉस बॉडी मूव फ्रॉम द टॉप रोप। जेसन जॉर्डन चैड गेबल दोनों ही प्रॉब्लम में, उसोज ने फुल यहां पे तहलका मचा दिया। चैड गेबल ने यहां फाइट करने की कोशिश की एंड व्हाट अ हरिकन राना, इनका रेसलिंग बैकग्राउंड यहां पे काफी काम आता है, बहुत ही सही मूव्स एंड उसोज आर डाउन। जे वहां पे पिट रहा है, दूसरी तरफ जिमी उसको तोड़ रहा है, तो दोनों ने एक एक बंदा ले लिया है। जिमी मूव्स टू द आउटसाइड, रेफरी इन द रिंग एंड घंटी बज चुकी है इसी के साथ। तो हमारे साइड से जे उसो स्टार्ट कर रहा है, ही गोज फॉर द पिन, वन। भाई मैच अभी घंटी बजी है एंड इसने पिन करना चालू कर दिया। जे थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए विद द रिवर्सल, बूम। अभी भी चैंपियनशिप बेल्ट रिंग के अंदर पड़ी हुई है, घूम के मारने की कोशिश एल्बो, लेकिन मिस पूरा अटैक। जे उसो उनके हाथ में पड़ चुका है, इन टू द कॉर्नर, पहला टैग उनकी तरफ से, फटाफट चैड गेबल इज इन द रिंग, दोनों ने टांग पकड़ी एंड बूम, टांग तोड़ने की कोशिश यहाँ पे जे की, हाथ के पीछे जा रहे ये लोग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाते हैं, हाथ पांव के पीछे जाओ पहले, वो सब तोड़ो एक एक लिम्ब एंड फिर दोबारा रिंग के बीच में खींचा है। जे उसो की हालत ख़राब होते जा रही है, लेकिन ही इज नॉट रेडी टू गिव अप। रिवर्सल चाहिए हमें फटाफट, जिमी अपने चांस की वेट करता हुआ, वो काफ़ी अभी भी रेडी बैठा है एंड जिमी आ रहा है बेटा जे, लेकिन उल्टा पड़ चुका है, डबल हैंडेड सुप्लेक्स, वो भी बेल्ट के ऊपर। भाई रेफरी दोनों बेल्ट रिमूव नहीं कर पाया अभी तक,
रिवर्सल करना बहुत जरूरी, सिग्नेचर मूव छीन लिया यहाँ पे, सुपर किक पूरा मिस। चैट गेबल के पास सिग्नेचर मूव दोबारा आ चुका है, इस बार उसने लगा दिया डबल हैंडेड नेक ब्रेकर इनटू द आर्म बार। व्हाट अ मूव, क्या टैप आउट हो जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट होने वाला है भाई, बचाने क्यों नहीं आता ये। टैप आउट होने वाला है, जिमी ऑलमोस्ट, आई मीन जे ऑलमोस्ट गिव अप करता हुआ, लेकिन ही फाइट्स बैक। जिमी बचाने तक नहीं आया उसको। रिवर्सल, व्हाट अ पंच, गुस्सा आ गया भाई, लेकिन एक भी मूव करेक्ट नहीं हो रहा इनके ऊपर। चैंपियंस यहाँ पे काफ़ी तगड़े, अपने रिंग के उसमें लेके कोने में एंड फिनिशिंग मूव लगा दिया है। दे आर गोइंग फॉर द ग्रेट एम्पलीट्यूड, बूम, सीधा पिन के अंदर। जिमी को बीच में आना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ पटक दिया उसको, लेकिन रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो चुका है उसी के जरिए। एंड जे बचा भाई, जे का हालत डाउन है, वो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है। एक और पिन यहाँ पे ट्राई की गई, 1-2 बचे। अगर उसने उसी फिनिशिंग मूव के पिन में कर दिया होता काउंट तो हम तो गए काम से, लेकिन फुल डोमिनेशन यहाँ पे चैंपियंस का। जे उसको एक और रिवर्सल ट्राई करता हुआ गिरा दिया इस बार जेसन जॉर्डन को, भाई इनके टीम का पावर हाउस है। एंड फाटू ब्रदर्स यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, लेकिन सिग्नेचर मूव, व्हाट, सीधा मुंह पे पड़ा किक। जेसन जॉर्डन इज इन ट्रबल, क्या हम इसका फायदा उठा पाएंगे, क्या इस मैच का रुख बदल पाएगा। इनटू आवर कॉर्नर फॉर द टैग टीम फिनिशर, हियर वी गो, ये ले भाई स्कूप स्लैम एंड उसोस विल फ्लाई, उसोस स्प्लैश सीधा जेसन के ऊपर, बिग डैमेज, चैट को बाहर फेंका एंड वी गो फॉर द पिन फटाफट। जेसन बिल्कुल हिल नहीं रहा अपने जगह से, लेट्स गो रेफ, 1-2। लेकिन भाई स्ट्रेंथ देखिए आप इनकी स्ट्रेंथ, अभी तो कुछ डैमेज ही नहीं चालू हुआ इनके ऊपर, लेकिन जिमी बहुत ही गुस्से में आया, ही इज रेडी टू टेक दिस फाइट टूवर्ड्स हिज साइड, लेकिन जेसन उससे भी ज़्यादा रेडी विद द रिवर्सल। एल्बो टू द बैक ऑफ द हेड, बहुत तेज लगी, फिर दोबारा एक कोने में पटका इसने, रिवर्सल करना जरूरी। व्हाट, सिग्नेचर मूव मार रहा है वो भाई, स्पीयर दे दिया उसने एंड इनटू द बेली टू बेली, सिग्नेचर मूव लग चुका है जेसन जॉर्डन का अगेन। एंड जेमी अब प्रॉब्लम में भाई, उसोस को बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर चैंपियन बनना है, सबसे पहले तो चैंपियन को हरा के दिखाना पड़ेगा। जेसन जॉर्डन फुल कंट्रोल में, फिनिशिंग मूव उसके पास रेडी है, लेकिन उसने टैग किया चैट को, बहुत ही स्मार्ट, उसकी हेल्थ कम हो रही थी। चैट अंदर आते ला देने की कोशिश में एंड जिमी बिल्कुल भी रेडी नहीं, उसको पता ही नहीं अटैक कहां से आ रहा है, मुंह के बल पटका उसको पीछे। चैट गेबल गोइंग फॉर अ स्प्रिंगबोर्ड मूव एंड सीधा हमारे छाती पे कनेक्ट हुआ, फटाफट रिवर्सल किया लेकिन कोई फायदा नहीं, पटके जा रहे यहाँ से वहाँ। जिमी थोड़ी समझदारी से बाहर निकला एंड अपने साइड में ले आया रिंग के, बाहर निकलते ही सीधा बैरिकेड के अंदर एंड बूम विद अ रशियन लेग स्वीप, रिंग के बाहर ही इसने मारना स्टार्ट कर दिया। यही मौका है अब हमारे पास, यही मौका है, सिग्नेचर मूव रेडी है बंदे के पास। चैट गेबल को वहीं पे बूम सुपर किक लगा दिया। चैट गेबल की हालत लेकिन अभी भी काफ़ी सुधरी हुई है, रिवर्सल्स बहुत है उसके पास। चैट गोइंग फॉर द लेग, क्या ये उसका सिग्नेचर मूव है, ओ भाई लेग ब्रेकर, सबमिशन मूव्स बहुत ही कातिल इन रेसलर्स के पास। लेकिन जिमी कम नहीं है बेटा, हाई फ्लायर है वो यहाँ का, हाई फ्लायर एंड ओएमजी मोमेंट, बंदा बाहर, कम ऑन उसो, फिर दोबारा रिस्की मूव एंड ओएमजी मोमेंट, सुसाइड डाइव, उसो दोनों के दोनों नीचे उतर चुके हैं। चैट गेबल वहीं पे बेहोश, रिवर्सल करने की कोशिश, लेकिन दोनों भाई पकड़ रहे आसपास से, एक दूसरे को मार रहे ऑलमोस्ट, नी मेरे मुंह पे लग चुका है मेरे भाई का। थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रगल, थोड़ा सा टैग हमारा सही नहीं चल रहा, मारते जा बेटा जेमी की, जिमी कौन है, जे कौन है भाई, ये इनके पास काफ़ी फायदा है, अचानक से वो लोग कभी भी स्विच मार सकते हैं। चैट गेबल पिटता हुआ भारी भाई, जेसन जॉर्डन को भी बाहर फेंका, काउंट आउट अभी भी चालू है एंड
हम लोग ऊपर रिंग के टॉन्ट्स पे टॉन्ट्स आ रहे हैं। कम ऑन जिमी, बिल्कुल रेडी है विद अ सिग्नेचर मूव। चैड इज बैक इन द रिंग, थैंक यू जे। लेकिन व्हाट अ रिवर्सल, उसके पास सिग्नेचर मूव, मेरे पास सिग्नेचर मूव, आर्म ड्रैगन के बहुत ही खतरनाक रेसलिंग वाली पटकियां सब। जिमी बच गए, जिमी बच गए, व्हाट अ रिवर्सल, बहुत ही खतरनाक रिवर्सल। लेकिन पूरा क्लोज लाइन मिस, हम रोप्स में जाके टकराए। चैट के पास फिर सिग्नेचर मूव है, क्या इस बार दे पाएगा? यस, उसने इस बार सिग्नेचर मूव लगा दिया है। बूम भाई, फिर आर्म बार में डाला उसने, रोप ब्रेक ने बचा लिया हमको। गजब भाई, आज हमारे साथ किस्मत है, लग गया मुंह पे उसके, गुड शॉट। एंड फटाफट टॉप रोप की तरफ फॉर द उसो स्प्लैश, बूम इनटू द पिन। रेफ भाग मत, 1 2 3, व्हाट अ विन फॉर उसोस। बहुत ही टफ विन थी यहाँ पे उसोस के लिए। एक टाइम ऐसा लगा मैच हाथ से निकल चुका है, उनके फिनिशर सिग्नेचर हर जगह से लग रहे थे, लेकिन उसोस कम बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम रॉ में सबसे पहला मैच होगा 2-on-2 एलिमिनेशन टैग मैच, बिग कैस एंड ज़ोमोर एक तरफ वर्सेस दी डडली बॉयज। आई बटन पे वोट करना ना भूलिए, हमें किसको लेना चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है, यूनिवर्स मोड में समझ ही नहीं आता सिनेरियोस कब आएंगे, कौन से मैच में आएंगे, कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम आगे बढ़ते हैं, बो डैलस वर्सेस केन। उसमें केन ने डिफीट कर दिया बो डैलस को, ऑब्वियसली आई बिलीव इट। लेकिन 2-on-2 मैच में लूचा ड्रैगन्स विक्ट्री पाते हुए ऊपर, ब्रिजांगो मिज वर्सेस बैरन कॉर्बिन, मिज विद अनदर बिग विक्ट्री। भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप छूट ही नहीं रहा उसके तरफ से। लेकिन अब हम बढ़ेंगे फॉर डीन एम्ब्रोस वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो। सबसे पहले रिंग की तरफ बढ़ रहा है अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द लूनाटिक डीन एम्ब्रोस। इसको हराना मुश्किल, इसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा ही, आप लोगों के वोट्स कमाल कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन आज का उसका ओपोनेंट अल्बर्टो डेल रियो, काफी बड़ा चांस है उसके लिए प्रूव करने के लिए कि ही कैन फाइट फॉर द WWE चैंपियनशिप। अगर उसने डिफीट कर दिया तो काफी बड़ा पुश होगा उसके लिए। द चैंपियन इज रेडी, ब्रिंग इट ऑन अल्बर्टो डेल रियो, घूरता हुआ अरे बरे बरे बा, बूम विद द क्रॉस बॉडी। भाई लूनाटिक इतना पागल है, शुरू से ही रिस्की मूव्स लेना स्टार्ट कर दिया है। ले भाई व्हाट अ कॉम्बो, पंच चॉप एंड बंदा डाउन, ये दी लात सीधा पेट पे, नो होल्डिंग बैक। अल्बर्टो डेल रियो पे सीधा छूटते ही पंचेस छोड़ना, ओहो सुपर किक इनटू द स्टमक एंड भागते हुए आया, क्लोज लाइन उल्टा पड़ गया उसी के ऊपर। गोज टू द सेकेंड रोप, बंदे नीचे देख, डबल एक्स हैंडल सीधा उसके मुंह पे। डीन एम्ब्रोस पागल हो चुका है यहाँ पे, दे धनादन मुक्के और चाटे। ले भाई पकड़ने की कोशिश, लेकिन अल्बर्टो डेल रियो दूसरी तरफ पटकते हुए, काफी लूचा ट्रेनिंग है इसके पास भी, एंड इनटू द बैक ड्रॉप। बहुत ही अच्छा रिवर्सल इस बार, डीन एम्ब्रोस गोज टू द टॉप रोप, हाई रिस्क मूव्स इनकमिंग एंड डबल एक्स हैंडल। देख लिया था तू उठ रहा बेटा, ज्यादा रिस्क नहीं लिया। एक और क्रॉस बॉडी इनटू द पंचेस एंड इसका गुस्सा, इसका पागलपन ही सबको पसंद आ जाता है। रिवर्सल कर दिया शायद, गोइंग फॉर द डबल हैंडेड जर्मन सुप्लेक्स, गजब का मूव था, काफ़ी इफेक्टिव ऑन डीन एम्ब्रोस। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए अब मैच का रुख बदलने की कोशिश, लेकिन डीन एम्ब्रोस रेडी विद द रिवर्सल अगेन। ले भाई दे धनाधन, दे धनाधन, गुस्सा मत दिलाओ डीन को, चैंपियन ऐसे ही नहीं बनाए, हर एक पे डोमिनेट किया इस बंदे ने। अल्बर्टो को घसीटा बीच में, जॉ ब्रेकर, तोड़ दिए दांत एक दो तो इसके। आजा आजा आजा, सिग्नेचर मूव आ चुका है, काफ़ी जल्दी हमने मोमेंटम गेन किया यहाँ पे। एक और पंच, एक और, बिल्कुल रोप्स में लटका दिया सिग्नेचर मूव। ले भाई उल्टा पड़ा, लेकिन नहीं, डीन एम्ब्रोस रेडी विद द लैरियट, बिल्कुल वहीं पे बेहोश कर दिया है। फिनिशिंग मूव रेडी हमारे पास, क्या हम डर्टी डीड्स दे पाएंगे, कैन वी फिनिश दिस हियर। Boom! Dirty deeds लग चुका है, अल्बर्टो डेल रियो down, 1, 2, लेकिन ही kicks out, फाइट अभी भी उसमें काफी बाकी। गुस्सा आ जाए ना तो ले भाई धनाधन पंचेस की बारिश। डेल रियो के पास कमबैक मूव आ चुका है, वो कभी भी कुछ स्पेशल अमेजिंग करने की कोशिश करेगा, लेकिन फटाफट डीन ऑन द टॉप रोप। भाई इसका एक बार आर्म बार लग जाए तो डीन का निकलना मुश्किल हो जाएगा।
बहुत ही बड़ा मिस जजमेंट यहाँ पे, सीधा जमीन पे कूद गया डीन, विच इज नॉट गुड, एंड सुप्लेक्स कनेक्ट हुआ यहाँ पे, कमबैक मूव लगा दिया डेल रियो ने, फटाफट वो सब कुछ गेन कर सकता है जितना उसने लूज किया यहाँ पे, इनटू द डीडीटी। मैच थोड़ा सा उल्टा पड़ चुका है अब डीन के लिए, चैंपियन इज इन ट्रबल हेयर, डेल रियो का कमबैक मूव जाने वाला है, ओ लग गया इस बार क्लोज लाइन, दो क्लोज लाइन पड़े, स्ट्रगलिंग हेयर एंड घुमा के बैक ब्रेकर, सिग्नेचर मूव डेल रियो के पास, क्या वो कुछ कर पाएगा, ही गोज टू द कॉर्नर, कॉर्नर सिग्नेचर मूव, सुपर किक सीधा मुंह पे, गर्दन उखाड़ दी डीन की इसने ऑलमोस्ट, एंड ही विल बी लुकिंग फॉर हिज क्लासिक आर्मबार, पकड़ लिया उसने, घुमा के इनटू द आर्मबार, बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन, लेकिन फाइट देखिए आप डीन के अंदर, बार तो काफी तेजी से उस तरफ बढ़ रहा है, मुश्किल हो रहा है डीन के लिए भी इसमें बचे रहना, लेकिन स्ट्रेंथ काम आ रही है यहाँ पे, रेजिलियंसी काम आ रही है, एंड डीन छूटा उसके आमबार से, बूम पंचेस मारने पड़े उसके मुंह पे टू कम आउट ऑफ इट, एक क्लोज लाइन के साथ उसको वहीं पे पटक डाला है, डीन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया इसने विद दैट मूव, बूम जॉ ब्रेकर उल्टा पड़ा, एंड घुमा के गोइंग फॉर द नेक ब्रेकर, गजब का टोर्नेडो नेक ब्रेकर फॉलोड अप विद अ पिन, वन चल हट चल हट, डीन को गुस्सा आ गया, कम बैक मूव लगाया उसने, बूम कम बैक मूव लग चुका है, ले भाई दो फोर आर्म्स, भागते हुए बिल्कुल कोने में, एंड ये पड़ा क्लोज लाइन, इनटू द बुलडॉग, मजेदार मूव यहाँ से वहां से, अब आ जा कोने में ले जाएंगे इस बार इसको, इनटू द कॉर्नर एंड ऊपर बिठाने की कोशिश, लेकिन डेल रियो विद द रिवर्सल, ओहो लात से फॉलो किया उसने, अचानक से कम बैक मूव के बाद उसने उल्टा कम बैक मार दिया हमारे ऊपर, सिग्नेचर मूव वेस्ट ना हो जाए हमारा, किक पड़ी सीधा पीठ पे, फिर उसके पास भी सिग्नेचर मूव है, ओ शिट, उससे पहले वो सिग्नेचर मूव भी दे, छोटा सा टॉन्ट उसकी तरफ से अपने ऑडियंस को और भी उत्तेजित करते हुए, बच के डीन बच के, क्रॉल करते हुए इधर से उधर, उसको समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ पे है, लेकिन व्हाट अ रिवर्सल, पूफ शिट, अल्बर्टो डेल रियो हर चीज के साथ रेडी है, वो गलत जगह पे पंच मार रहा है, डेल रियो गलत जगह पे पंच मार रहा है भाई, ये ले भाई धूम धड़ाम, एंड भाई यही गुस्से को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ फिनिशिंग मूव, हियर वी गो, हियर कम्स दिनी, भागते हुए बूम, बंदा बेहोश, डीन एम्ब्रोस का खतरनाक फिनिशर, सीधा कन पट्टी पे उसका नी, बैंग, बंदे की हालत खराब, डेल रियो इन ट्रबल, पेन भाई, वन टू थ्री, विन फॉर द चैंपियन, दोनों का प्रदर्शन काफी अच्छा था, दोनों ने कमबैक्स मूव मारने पड़े दोनों को, एंड क्या कमबैक मारा है, फिनिशिंग सिग्नेचर मूव चारों तरफ से, एंड अपना चैंपियन यहाँ पे दिखाते हुए, ये रिंग उसका है भाई। दूसरा मैच होगा क्रिस जेरिको वर्सेस डैरन यंग, क्रिस जेरिको का पंगा चल रहा है सेथ रॉलिंस के साथ, शायद कुछ कांड करने आ जाए सेथ रॉलिंस बीच में, लेकिन हमें किसको लेना चाहिए उसके लिए आई बटन पे वोट करना ना भूलिए फटाफट, एंड फॉर द फाइनल मैच गोल्डबर्ग वर्सेस जैक राइडर, एक बहुत ही ऑड सा मैचअप यहाँ पे, लेकिन गोल्डबर्ग इज रेडी टू प्रूव ही इज द बेस्ट ऑन स्मैकडाउन, उसको जैक राइडर को भी बहुत बुरी तरह हराना पड़ेगा, लेकिन क्या जैक राइडर आज कुछ कमाल कर सकता है, क्या पता भाई, सबसे बड़ा अपसेट हो सकता है ये स्मैकडाउन पे, वू, वू, वू। बंदा आ गया भाई जोश में बिल्कुल, गोल्डबर्ग रेडी, दूसरी तरफ जैक राइडर फुल हाइप में आया है, आज इसकी हाइप सारी यहीं पे खत्म, ही इज गोइंग अगेंस्ट द बेस्ट, व्हाट अ बिग मूव, जैक राइडर के ऊपर टोटल डोमिनेशन होने वाली है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, या जैक राइडर कुछ कमाल कर सकता है आज, देखना पड़ेगा भाई, व्हाट अ एल्बो ड्रॉप सीधा गोल्डबर्ग के पीठ पे, थोड़ी सी कमजोर पीठ, ओहो राउंड किक मारने की कोशिश, लेकिन जैक राइडर ने हमारी गर्दन पकड़ी, वहीं पे स्मैश सीधा नी लेके कूदा मेरे मुंह पे, गोल्डबर्ग विद द रिवर्सल, ले भाई हैवी पंचेस, बहुत ही हैवी पंचेस, रिंग के बीच में पकड़ के पटक दिया विद अ स्कूप स्लैम,
ये हुई ना बात, प्योर पावर है बंदा, प्योर पावर जैक राइडर, लेकिन उससे तेज। रिवर्सल करने की कोशिश, लेकिन गोल्डबर्ग कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, जॉ ब्रेकर जैसे रिवर्सल उसके आसपास में भी है। फिर दोबारा पकड़ लिया है, एंड इस बार रिवर्सल जैक राइडर का इन मिड एयर एंड इन टू द रशियन लेग स्वीप, हाथ तोड़ने की कोशिश विद अनदर एल्बो ड्रॉप, उसी पीठ पे वर्क कर रहा है वो बार बार। अब गोल्डबर्ग थोड़े से खतरे में, उसके पास रिवर्सल खत्म हो चुका है। जैक राइडर ऑन द टॉप रोप, हु इज नेक्स्ट? जैक राइडर इज नेक्स्ट। कूदा नहीं मेरे पर, डर गया, हाँ डर गया। जैक राइडर विद द रिवर्सल अगेन, भाई एक शॉट नहीं माने दिया इस बंदे ने, घुमा के पटका गोल्डबर्ग को उस तरफ। जैक के पास सिग्नेचर मूव आ चुका है, क्या बात है। गोल्डबर्ग को टॉन्ट करेगा, तू छोटा बच्चा मुझे टॉन्ट करेगा, खत्म कर दिया इसने। गोल्डबर्ग को कोने में पटक दिया है, एंड ही इज गोइंग फॉर द टोर्नेडो डीडीटी। गोल्डबर्ग बिल्कुल रिंग के बीच में हताश, सिग्नेचर मूव रेडी है उसके पास, कोने में ले गया वो हमें, एंड ओ एक और लात पड़ी, सिग्नेचर मूव लगा दिया उसने। हियर कम्स द किक, वूहू वू, सारी उड़ा दिया भाई इसने तो। ही इज अबाउट टू फिनिश दिस, लेग ड्रॉप, बूम, गया काम से गोल्डबर्ग। क्या ये उसका फिनिश हो सकता है? बिगेस्ट अपसेट हियर, 1 2 3 बचे। रेफरी ने ऑलमोस्ट वहां पे बजा दी थी भाई, लेकिन लास्ट सेकंड में, मिली सेकंड में गोल्डबर्ग किसी तरह रिवर्सल करता हुआ, काफी ज्यादा पिट चुका है यहाँ पे भाई, पूरा मैच पलट गया, ये उल्टा हो गया अचानक से। गोल्डबर्ग को गुस्सा आ चुका है इसी बात पे, भागते हुए विद अ क्लोज लाइन मैच रिंग के बाहर पहुंच चुका है। सिग्नेचर मूव रेडी है हमारे पास, दो पंचेज वहीं पे घसीटे उसके, एंड स्कूप स्लैम, नहीं इट्स अ ओहो, पावरफुल स्लैम दे दिया इसने, वहीं पे पटक दिया भाई। सिग्नेचर मूव रेडी है, क्या यहीं पे हम लोग इसको दे सकते हैं? भागते हुए आया विद अ स्पीयर, बंदा दो टुकड़ों में वहीं पे। जैक राइडर कुछ ज्यादा इंटेंसिटी में आया हमारी तरफ, Into the barricade, OMG moment, एक और खतरनाक स्पीयर, इस बार पूरा बैरिकेड तोड़ते हुए जैक राइडर थ्रू, चारों तरफ से चैंट आ रही है, This is awesome, भाई टोटल डिस्ट्रक्शन मच गया यहाँ पे। रेफरी काउंट चालू रखी है उसने, ऑलमोस्ट 8 तक पहुंच चुका है वो, फटाफट फटाफट रिंग के अंदर जाना पड़ेगा, काउंट ब्रेक करनी पड़ेगी हमें, मैच को हम ऐसे ही फिनिश नहीं कर सकते। फटाफट गोल्डबर्ग बाहर आया काउंट तोड़ के, अभी भी रिवर्सल करने की कोशिश, सीधा बिग बूट दिया गोल्डबर्ग ने। मैच को फटाफट पलटना पड़ेगा अब, इनटू द रिंग पोस्ट, एनवायरनमेंट का यूज करते हुए गोल्डबर्ग, बूम, फटाफट भागा जैक राइडर, स्मार्ट मूव, लेकिन गोल्डबर्ग उससे भी ज्यादा स्मार्ट, जैसे वो बाहर आया ही गोज इन एंड फॉलोड अप विद अ बिग क्लोज लाइन, उड़ा दिया जैक राइडर को हमने, लेकिन ये क्या, बूम, कमबैक मूव लगा दिया जैक ने इस बार। गोल्डबर्ग को एक और बड़ा मूव यहां पे सहन करना पड़ेगा, बिल्कुल कोने में ले गया, ही इज सेटिंग अप अ कमबैक मूव, आयरिश व्हिप, एंड गोल्डबर्ग भागते हुए नी पड़ा उसके मुंह पे, बूम विद अ ड्रॉप किक, बंदा कमाल कर गया भाई आज। जैक राइडर गिविंग अ फाइट ऑफ हिज लाइफ, एल्बो पड़ा मुंह पे, ही इज डाउन, सिग्नेचर मूव लगाने की कोशिश, लेकिन गोल्डबर्ग विद रिवर्सल बिग बूट, भाई साहब ज्यादा हो रहा है इसका, ज्यादा हो रहा है, कॉर्नर सिग्नेचर रेडी, जैक राइडर इज इन ट्रबल, उसको पता ही नहीं, एंड स्पीयर तोड़ता हुआ जैक राइडर को दो टुकड़ों में, चार्ज फिनिशर लगाया, एंड दिस शुड बी द एंड ऑफ इट। जैक राइडर बिल्कुल होश में नहीं है, बंदा दो स्पीयर खाते ही खत्म हो चुका है, एंड बिग मूव द जैक हैमर, गजब की पटकी, गजब का सुप्लेक्स, एंड बूम विद पावर विद डोमिनेशन इन टू द पिन, 1 2 3 गोल्डबर्ग विंस। क्या फाइट दी है भाई गोल्डबर्ग को, अनएक्सपेक्टेड था जैक राइडर की तरफ से, लेकिन गजब की फाइट दी उसने भी, शुरुआत में फिनिशर सिग्नेचर कमबैक मूव, लेकिन गोल्डबर्ग टू पावरफुल फॉर हिम, बड़े मूव्स एंड बड़ा फिनिश।
एंड आखिरी मैच जो रॉ पे होने वाला है वो है ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर फॉल्स काउंट एनीवेयर। बहुत ही बड़ा मैचअप ऑन रॉ। प्लीज ओसो फटाफट वोट करना ना भूलिए ऑन दी आई बटन, हमें किसको चूज करना चाहिए एज आवर प्लेयर। दोस्तों ये थे आज के मैचेस, आई होप आप लोगों को मजा आया। फटाफट लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड भूलना नहीं नेक्स्ट शो के लिए आई बटन पे आप लोग वोट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर WWE 2K17। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट मोमेंट आज के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।